निश्चिंत रहिए, सेना से मेरी लगातार बातचीत हो रही है और जैसे हमने 2014 से पहले पूरे जयपुर ज़िले के अंदर सेना भर्ती होती ही नहीं थी और उसको हमने शुरू करवाई, मुझे खुद को ताज्जुब हुआ कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 6 वर्षों से सेना की भर्ती नहीं हुई। मुझे ताज्जुब हुआ और मैंने ये संकल्प लिया कि मेरे रहते सेना की भर्ती हर साल होगी और इस बात का मुझे मुझे खुशी है और मैं राजस्थान को, मैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 2014 के अंदर मंजूरी दी, सेना की भर्ती जयपुर ज़िले के अंदर शुरू हुई और 2000 से हर साल सेना की भर्ती जयपुर ज़िले में हो रही है। 2019 में एक साल भर्ती नहीं हुई और भर्ती जयपुर ज़िले से बाहर चली गई और उसमें मैंने जो कांग्रेस की सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं गहलोत साहब, उनसे आग्रह करा कि ऐसा मत करिए, ये नुकसान हमारे आने वाली पीढ़ी को होगा, हमारे जयपुर के जो लाखों नौजवान हैं उनको होगा। तो उन्होंने भी इस बात की मंजूरी दी और फिर 2020 से वापस से सेना की भर्ती शुरू हुई और हर साल सेना की भर्ती हो रही है। आप में से बहुत से ऐसे मेरे साथी हैं, युवा साथी हैं, जिन्होंने इस सेना की भर्ती की जो फिजिकल जो दौड़ वगैरह हुई थी उसमें भाग लिया और अब आप सब इंतज़ार कर रहे हैं कि उसमें रिटन एग्जामिनेशन कब होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि रिटन एग्जामिनेशन जल्दी होगा, आप अपनी तैयारी करके रखिए इस रिटन एग्जामिनेशन की। सेना से मेरी लगातार बातचीत हो रही है और मैं आपको जल्द ही तारीख भी बताऊंगा कि तब कब तक ये रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। साथ साथ मैं आपको ये भी बतला दूं कि इस कोरोना काल के अंदर जब राजस्थान के किसी भी ज़िले में सेना की भर्ती नहीं हुई तब 2 जिलों में हमने सेना की भर्ती कराई, एक था जयपुर ज़िला और दूसरा उदयपुर। आगे भी हर साल सेना की भर्ती होगी और BSF, CRPF और इन सब की भी तैयारी आप सब करते रहिए। मुझे यकीन है कि आप में से ज़्यादा लोग इन सब फोर्सेस में आप जाएंगे और मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि बहुत से मैं CRPF, BSF, CISF और दिल्ली पुलिस में जब मैं लोगों से मिलता हूं तो वो जयपुर ज़िले के रहने वाले हैं और हमारे जयपुर ग्रामीण परिवार से वो अपना वास्ता रखते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं इन सब साथियों से मिलता हूं और आप सब सेना में जाएं, ऐसा अगर सौभाग्य मुझे मिलेगा तो ये मेरे लिए बहुत बड़े आशीर्वाद की बात है। तो आप तैयार रहिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो एग्जामिनेशन जल्दी होगा और आने वाली सेना की भर्ती है वो भी जल्दी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।